मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आज एक ऐसे इशू पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस ओर कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं खाद वाली, जैसे इफको है, आईपीएल है, उन्होंने बड़ी धांधल डाली हुई है। किसानों को मजबूर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती से मजबूर किया जा रहा है। जैसे इफको का खाद आ रहा है डीएपी, और डीएपी के साथ साथ एक नैनो डीएपी ज़बरदस्ती से लोगों को दिया जा रहा है। नहीं तो लोगों को कहा जा रहा है, जो भी प्राइवेट डीलर उनको, भाई आपको खाद नहीं मिलेगा। एक ट्रक के साथ 10-10, 20-20 पैक उसके दे रहे हैं, और एक किसान को एक क्विंटल के साथ एक उसकी शीशी पैक उसका इफको का डीएपी का दिया जा रहा है। और एक आईपीएल कंपनी है, आईपीएल कंपनी वालों की तरफ से भी जो खाद आ रहा है उसके साथ एक पोटाश का बैग देके जा रहे हैं। यानी ज़बरदस्ती से कहा जा रहा है कि मेरी मर्जी है कि मैं रोटी खाऊंगा, मैं गंदे गेहूँ की रोटी खाऊंगा, मुझे ज़बरदस्ती से चावल खिलाया जा रहा है। चाहे तो एजुकेट करो लोगों को, एजुकेट करो किसानों को, उसको समझाओ भाई इसका ये फ़ायदा, इसका ये फायदा। यानी ज़बरदस्ती इनके साथ की जा रही है। आपको शायद आपको याद होगा कि ये वही इफको कंपनी वाले हैं जिनकी धांधली पकड़ी थी मैंने 2008 में, जब मैं एमएलए बना था और इनका एक सैंपल फेल हो गया था, और इनका बिल्कुल नकली खाद जो लोगों को डीएपी का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था वो पकड़ा था। ये वही कंपनी हमारे आज किसानों के साथ, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जैसे आप एमएसपी थी इसकी, अभी जो गेहूँ की आने वाली है उसका 150 रुपये पर क्विंटल उसका रेट बढ़ाया, यानी 80% इंक्रीज जो हमने वायदा किया था किसानों से, 80% जो भाई किसानों की इनकम डबल करेंगे उसका 80% हमने इंक्रीज कर दिया 10 साल के अंदर अंदर, यानी कि जो 47 साल में वो कांग्रेस नहीं कर सकी थी। लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनी वाले जैसे आईपीएल हो गई, इफ हो गई, इन्होंने एक धांधल डाली है, मजबूर किया जा रहा है। लोग ऐसे बेचारे मजबूर हो गए हैं कि जो इनको न्यानो खाद देना चाहते हैं, वो एजुकेट करो, समझाओ उनको। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि लोगों को समझाएं, उनको एजुकेट करें, भाई इफको का न्यानो भी बड़ा जरूरी है कि उसकी जगह ये डालो, उनको पढ़ाओ, एजुकेट करो। जब तक उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, लोगों को मजबूर क्यों, बेचारे लोगों को दुखी किया जा रहा है किसानों को। और मेरी आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब से और फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो हमारे, उनसे अपील है कि इनकी इनके ऊपर कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, इनके ऊपर नकेल कसी जाए और लोगों को मत मजबूर किया जाए कि भाई ये वाला खाद डालो, वो वाला खाद डालो। बताता है कि उनको एजुकेट करो, भाई इस खाद का ये फायदा, उस खाद का भी फायदा है, फिर तो हुआ। लेकिन जानबूझ के मजबूर किया जा रहा है, और लोग इसी के कारण लोग खेती बाड़ी छोड़ के बेचारे अपना कोई दूसरा धंधा करने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। तो मेरी फिर आपके माध्यम से एक विनती है भाई, वो खासकर फर्टिलाइजर मंत्री जी से, कि वो इनकी कंपनी वालों को एक डायरेक्शन दे, भाई मर्जी के मुताबिक, अगर मेरी मर्जी है कि मैं डीएपी डालूंगा, मैं क्यों डालूं नैनो, मुझे एजुकेट करें। मैं खुद किसान हूं, मुझे आज तक नहीं पता चला कि नैनो के नैनो का इसमें फर्क क्या है, मुझे नहीं पता चला, तो मेरे किसान भाइयों को क्या पता चलेगा। इसलिए फिर आपके बात से फिर मैं विनती करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपने डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, कि ये लोगों को एजुकेट करें, लोगों को समझाएं कि कौन सा खाद अच्छा है, कौन सा ना अच्छा है, और ज़बरदस्ती किसानों के साथ ना की जाए।